आए हुए सारे लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नासिर मंसूरी है और मैं पीसीएस परीक्षा 2023 में एसडीएम पद पर सेलेक्ट हुआ हूं और वर्तमान में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में एज एसडीएम पोस्टेड हूं। तो आज के इस माहौल और ये सारे समारोह के मुख्य आयोजककर्ता माननीय जावेद इकबाल मंसूरी साहब और हमारे जनाब आज़ाद भाई मंसूरी साहब, इन लोगों से मैं जुड़ा। अजमत भाई हैं और अपने कारी साहब, मौलाना साहब और समाज के जितने भी सम्मानित हमारे भाई बहन और हमारे माताजी भी हमारे साथ आई हैं। हमारी पत्नी श्रीमती नसरीन जी आई हैं, बेटा आया हुआ है मेरा और मेरा भांजा भी आया हुआ है। मैं सबको इस मौके की मुबारकबाद देता हूं कि आज हमें वो पल मिला है कि हम सर उठा के आप लोगों के सामने कोई वाक्या पेश कर सकते हैं कि भाई अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आप एक मकाम हासिल कर सकते हैं। और ये वो मकाम है आईएएस पीसीएस जिसके लिए हम लोग एक सपना देखते हैं। मैंने भी कभी एक सपना देखा था और मेरे जो इंस्पिरेशन थे वो मेरे ज़िले के डीएम साहब थे, जबकि मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था और एक बारी उनसे इंटरेक्शन हुआ। वहाँ पे उन्होंने मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है जालौन है, वहाँ पे आयोजन करवाया हुआ था। उसको देख के मुझे लगा कि कोई एक ऐसा ओहदा है जिससे कि हम समाज की बहुत अच्छे ढंग से सेवा कर सकते हैं। और मेरी जो यात्रा रही वो एकदम डायरेक्ट नहीं रही, उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ मैंने भारतीय वायुसेना में एक सैनिक के तौर पे नौकरी की और लगभग 10 साल वहाँ पे अपनी सेवाएं देने के बाद मुझे लगा कि अब मेरा जो सिविल सर्विस का सपना है वो पूरा जरूर करना है, जिससे कि मैं समाज के ज़्यादातर लोगों की सेवा कर सकूँ, आप लोगों की खिदमत कर सकूँ। जहाँ पर जिस मुकाम पे जाके मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ वो एक ओहदा जो है सिविल सर्विसेज है, और जो एक बहुत वाइड हॉरिजन देता है आपको कि जहाँ पे रह के आप लोगों की हर तरह से मदद कर सकते हैं। आप एक ईमानदार अफसर बनके समाज में अच्छी योजनाओं को लागू कर सकते हैं, औरतों के खिलाफ जो जुल्म हो रहे होते हैं उस पर आवाज़ उठा सकते हैं, या जो मिलने वाले आते हैं लोग उनकी समस्याओं को सुन के उनका समाधान करके आप लोगों को एक रास्ता दे सकते हैं। और वो ऐसा रास्ता होता है जिस पर एक अगर आप एक दिया जलाएंगे तो उसकी रोशनी बहुत दूर तक जाती है, और आज एक ऐसी ज़रूरत आ पड़ी है क्योंकि हमारा समाज जो मंसूरी समाज है, पसमादा मंसूरी और इसमें जितने भी और कौम आती हैं उन सभी लोगों को आर्थिक पिछड़ापन होने की वजह से हम लोग शिक्षा की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और जितने भी सेंट्रल के सर्विसेज बहुत अच्छी ग्रुप ए सर्विसेज हैं वी हैं, इन सब के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो पहला तो यह है कि मन में आप एक फैसला कर लें कि भाई अब मुझे करना है। और जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया कि मुझे करना है, ये समझ लीजिए कि आधी जर्नी आपने कम्प्लीट कर ली है, क्योंकि फैसला लेना ही सबसे मुश्किल काम होता है। क्या होता है कि हम लोगों को कोई सही जॉब या कोई सा ओहदा बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगता है, हमें लगता है कि भाई हाँ हमें आईएएस बन जाना चाहिए, हमें पीसीएस बन जाना चाहिए या आईपीएस या कोई भी बड़ी सर्विस में जाना है। उसके पीछे मेहनत बहुत होती है, और आपको ये जो सुख सुविधाएं हैं जो हमारे पिछले वक्ता बोल रहे थे कि हमें मोबाइल का त्याग कर देना चाहिए, हमें सोशल मीडिया का त्याग कर देना चाहिए, ये बहुत ही अहम और मुख्य बात है कि जब तक आप ये सामाजिक चकाचौंध है जो सोशल मीडिया का क्रेज है, रील बनाना या फिर फेसबुक पे आप कमेंट्स कर रहे हो, पोस्ट शेयर कर रहे हो, इससे अपना कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपको इन सब चीज़ों से दूर रह से कम 8 से 10 घंटे डेडिकेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसके बावजूद भी ये फिक्स नहीं होता है कि आपको वो मुकाम हासिल होगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा समझदार, पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोग आपके साथ में कम्पीट कर रहे होते हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कैसे प्रिपेयर करना है और चीज़ों को किस तरह मैनेज करना है, इन सब चीज़ों का आपको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए।
और जब आप टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे और उस चीज़ को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और कोई रोक नहीं सकता आपको कामयाब होने से। क्योंकि जो मेरी जर्नी शुरू हुई थी वो एयरफोर्स के एक जवान से शुरू हुई थी, फिर मैंने बैंक में एज अ पीओ 2015 में ज्वाइन किया, वहाँ पे भी मैंने 2 साल जॉब की, वो मेरे को पसंद नहीं आई, मुझे नहीं लगा कि ये वो मुकाम है जहाँ से मैं ज़्यादा सेवाएं कर पाऊँगा। फिर मैंने दूसरी एक बैंक जो पंजाब एंड सिंध बैंक है उसमें एज पीओ दोबारा से ज्वाइन किया और वहाँ पे मैनेजर के तौर पे सेवाएं दी। लगभग 6 साल वहाँ नौकरी की मैंने और वहाँ पे जितना मैं कर सकता था, एक फाइनेंशियल फील्ड थी सिर्फ, उसमें रिस्ट्रिक्ट हो गया था मैं और उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। तो फिर मेरा दोबारा से जो मेरा सपना था कि मुझे आईएएस या पीसीएस ही बनना है, उसको मैंने दोबारा 2018 में दोबारा से शुरू किया। और इस बारी मेरा पूरा डेडिकेशन था कि कुछ भी हो जाए मुझे ये करके रहना है। मेरे राह में बहुत सारी अड़चनें भी आईं, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं छोटे छोटे, वाइफ हैं, मेरी माता जी हैं, वालिदा मेरी, तो इन सबको भी देखना था और अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी थी। तो इसके लिए आपको अपने जो पर्सनल इंजॉइंग या इंजॉयमेंट वाले पल होते हैं उनको ही कुर्बानी देनी पड़ती है। आपको जो ये पार्टियां हैं या बाहर घूमना फिरना है, इन पे कर्व करना पड़ेगा और आपको छुट्टियों वाले दिन में पढ़ना पड़ेगा। और जो लोग कोई जॉब नहीं कर रहे हैं उनके लिए और आसान हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको डेडिकेटेडली तैयारी करनी चाहिए। और इस तैयारी के लिए आपको सबसे पहला काम है, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप आगे आना चाहते हैं उसका आपको पूरा सिलेबस पता हो कि भाई इसमें क्या स्टेप हैं, प्रीलिम्स हैं, मेंस है, इंटरव्यू है या ये वन डे एग्ज़ाम है, और उसका सिलेबस क्या है, उसको अच्छी तरह से देखने के बाद उसकी जो कोर बुक्स हैं वो आप खरीद लीजिए। और सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए इन सारी चीज़ों की। और आजकल एक अच्छी चीज़, जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट का ज़माना है, उसका अच्छा बुरा उपयोग दोनों आपके हाथ में है। आप वहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई के, अच्छे लोग हैं वहाँ पे, आपको इंस्पिरेशनल वीडियोस मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो एकदम गरीबी वाले माहौल से उठ के आए और आज वो बड़े मुकाम पे पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले आपने यही करना है कि अपना सिलेबस डिफाइन कर लेना है कि मेरे को किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। फिर डेडिकेटेडली अपने आवर्स फिक्स कर लें कि भाई हाँ, मैं कम से कम, शुरुआत में आपको थोड़ी बोरियत लगेगी, देखो जो राह जहाँ पे आपको कामयाबी मिलनी है ये थोड़ी कठिन डगर है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस की जो परसेंटेज है वो हार्डली 0.5 से 1% तक वेरी करती है। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं जो फैसला ले रहा हूँ ये मुझे या तो बहुत अच्छे मुकाम पे ले जाएगा और हो सकता मैं अच्छे मुकाम पर न पहुँचूँ। तो उसके लिए मेरा कहना ये है कि अगर आप कामयाबी हासिल नहीं करते हैं तो भी आप एक अच्छे इंसान, पढ़े लिखे, जानकार और समझदार बन जाते हैं, जो समाज में दूसरे ढंग से भी योगदान दे सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि आप जो भी पढ़ें उसको अच्छी तरीके से पढ़ें। और अगर आपको 1 साल के लिए आप फाउंडेशन खुद से सेल्फ स्टडी करके लेते हैं और आगे जाके अगर आपको कोई कोचिंग का सहारा मिल सकता है या आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। और एक ऐसा पीयर ग्रुप होता है जहाँ पे सेम लोग, सिमिलर थॉट्स के और जो सेम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों के साथ संपर्क में रहें आप। और जितना हो सके रिलेवेंट मटेरियल पढ़िए, जहाँ पे हो सके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको ज़रूर चेक करें। और सबसे ज़रूरी हो जाता है इस इम्तिहान में प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना, क्योंकि अगर आप प्री में पास होंगे तभी आप आगे की मंजिल तक जा सकते हैं। तो प्री के लिए मेरी जो अपनी स्ट्रेटजी रही थी वो ये थी कि आप जो स्टैटिक पोर्शन होता है जीके का उसको अच्छी तरीके से पढ़ें। और रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट की है, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। आप जितनी बारी पढ़ेंगे उतनी बारी वो चीज़ें अच्छी होंगी। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, वो कहते हैं कि किसी एक कई सारी बुक पढ़ने से अच्छा है कि किसी बुक को बारी बारी पढ़ा जाए, इससे आपकी पकड़ उस पर बहुत अच्छी बन जाती है। और UPPCS की बात की जाए या UPSC की बात की जाए तो ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ है, यहाँ पे वैकेंसीज भी बहुत कम होती हैं, तो आपको बहुत ही माइन्यूटली पढ़ना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। जब उनका क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें वो जानबूझ के ऐसे
फैक्ट्स डालते हैं जो कि गलत होंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। तो जब आप ठंडे दिमाग से